हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट जारी हो गया है। यहाँ पे एक नोटिस वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से, प्रेस विज्ञप्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के लोक के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 20/10 से सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चलेगी। दोस्तों, तो दोस्तों जो भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसका एक दिन बाद यानी कि 20 अक्टूबर को ही यानी कि कल से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट, ये जो आपका वेबसाइट है statebihar.gov.in पे अपना क्रमांक रोल नंबर देख लें ताकि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है और किस तिथि को तय की गई है काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों का अनावश्यक भीड़ न हो। ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको चेक करना है अपना रोल नंबर, और जो कि आपको देखना है कि हमारा काउंसलिंग किस डेट को है और कौन से चरण में होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंधित सूचना। दिनांक 20/10 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के सफल अभ्यर्थी BPSC के मेघा सूची में पृष्ठ 1 से 17 तक अंकित अभ्यर्थी आए। यानी कि अभी आपको दिखाते हैं, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का ये रिजल्ट है दोस्तों, ये टोटल जो है कि नंबर 102 पेज का है, ये टोटल 102 पेज का है, और इसमें आपका जो कि बोला गया है दिनांक 24/8 एवं दिनांक 25/8 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नलिखित कुल 65,653 उपविद्यालयों के प्राथमिक विद्यालय कक्षा वर्ग 1 से 5 के जनरल विषय के अंतर्गत घोषित करता है। तो दोस्तों, ये लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आपका रोल नंबर है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, उनका रोल नंबर है। ये कट ऑफ अभी निर्धारित नहीं होगी कि कितनी कट ऑफ आपकी गई है कितनी नहीं गई है, ठीक है, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट ये है, पूरा 102 पेज में है। तो जो अभी ये काउंसलिंग अभी हम पढ़े थे, जो 20 तारीख को जिन अभ्यर्थियों को बुलाए हैं यहाँ पे, उनका 1 से 17 तक जो पृष्ठ है उनको बुलाए हैं। यानी कि एक पृष्ठ ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ठीक है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और ये फिफ्थ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 17 पेज तक, 1 से 17 पृष्ठ तक जिनका भी रोल नंबर आता है, जिनका भी रोल नंबर 1 से 17, ये 17 नंबर है, अगर आप किसी में मतलब जिसका भी नंबर आता है, रोल नंबर इसमें रहेगा, उनको 20 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे बिहार जो उनका सेंटर है वहाँ पे उपस्थित होना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ जो ये पेपर कटिंग है, नोटिस है, मतलब बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और साथ में भी बोला गया है अगर 1 से 17 तक वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, फिर 21 अक्टूबर को 1834 पृष्ठ वाले को भी वहाँ पे उपस्थित होना है, फिर 22 को 35 से 51, और 23 को 52 से 68, और 24 को 69 से 85 तक ये स्टूडेंट्स को वहाँ पे उपस्थित होना है। ठीक है, बाकी आपका 25 को है 86 से 102 जिनका पृष्ठ रोल नंबर अंकित होगा वहाँ पे उनको उपस्थित होना है। दोस्तों, ये तो कहना सही, मतलब ये नोटिस फेक है या रियल है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये फेक होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना तो मोहर देखने को आपको मिली है, ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे कहीं कहीं कमी तो आपको कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक 1 से 5 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। ठीक है, सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि कक्षाओं के सभी काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 26/10/2023 सुबह 9:30 बजे से हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों कहीं कहीं इसमें मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि ये कहीं फेक न्यूज़ है, और लेकिन ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि ये फेक है। पता चला ये रियल हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप जो आपकी वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने दिया है state.bihar.gov.in एजुकेशन बिहार, इस पर आपको लॉगिन करना है अपना रोल नंबर, और जो किस चरण में आपका आने वाला है, मतलब किस डेट को आने वाला है आपका काउंसलिंग, अगर वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाता है इस वेबसाइट से, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 100% ये रियल न्यूज़ है। अगर ये नई न्यूज़ नहीं आती है, अगर ये यहाँ पीरियड बताता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 100% फेक है। बस आपको किसके भरोसे रहना है। अब आपका जो ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in एजुकेशन बिहार पे आपको अपना रोल नंबर और काउंसलिंग डेट यहाँ पे देखना है। अगर निकल जाता है तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो ये आपके फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर लें दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों।